वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और देखो आज 14 फरवरी है, निब्बा निब्बियों के लिए ना ये होगा वैलेंटाइन। हम सनातनी है, हमारे लिए माँ सरस्वती का पूजन, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं पीढ़ी बताओ। जय माँ सरस्वती। अब दिखाते हैं कि हमने करी है पूजा, और हमने क्या बनाया पकवान, आप देखो आपके मुँह में आएगा पानी। तो देखो हमने बनाया आज हलवा छोले और पूड़ी। ये तो मतलब मस्त होता है यार हलवा छोले प्रसाद, तो बात ही अलग है। साथ में यहाँ बेर और अंगूर। बेर आ गया, मौसम बदलना शुरू हो चुका है। नहीं, ये बसंत पंचमी का प्रसाद होता है। माँ सरस्वती को बेर बहुत पसंद है, इसीलिए बेर बसंत पंचमी की पूजा में रखा जाता है, इसीलिए हम बेर लाए। अच्छा, तो देखो सुबह तो हमने बढ़िया हलवा पूड़ी बना के खाया छोलों के साथ में। अब दोपहर में सोचते थे क्या खाएं यार, छुट्टी भी है, मतलब वो सरस्वती माता की पूजा करी है, घर में इतना अच्छा दिन है, तो क्या बनाएं। फिर मैं ना रास्ते में कहीं जा रहा था, किसी की शादी हो रही थी, और वहाँ ना मटर पनीर और पूड़ी बने हुए थे, और मटर पनीर की खुशबू इतनी टेम्पटिंग थी। मैंने पीढ़ी से बोला, मैंने कहा पीढ़ी बढ़िया से मटर पनीर बनाया यार, मेरा बड़ा मन कर रहा है। उसने कहा ठीक है, आज मैं हलवाई वाले मटर पनीर बनाऊंगी। अब मैंने रेसिपी तो दिखाई नहीं, वो रेसिपी में क्या दिखाना है यार, सबको पता कैसे बनती है। हमने बनाई है और देखो मैं आपको प्लेट में दिखाता हूँ। तो जी ये रही हमारी मटर पनीर और पूड़ियाँ हमारी ये रही, कुछ प्लेट में रखी हैं। सब्जियों दिखाता हूँ, पीढ़ी उसमें काम कर रही है, अभी भी कुछ निकाल रही है सब्जी, थोड़ा नमक कम रह गया तो नमक डाल रही है। देखो ये सब्जी हमारी सारी देखने में एकदम हलवाई वाली, और सब्जी में डाला हमने थोड़ा सा खोया हमारा ये पड़ा हुआ जो हमें पा गया है, और सब्जी थोड़ी सी उबाल लेते हैं, नमक डाला ना एक उबाल सब्जी को दिला देते हैं बढ़िया सा। सब्जी की रंगत देखो यार, इसका रोगन देखो, मजे आ गया। क्यों पीढ़ी फिर तो खाई है ना, अभी कैसी लगी खा के, है ना? बस थोड़ा नमक कम है। मटर पनीर खाने के बाद ना बहुत नींद आई, और मैं गया सो गई, पीढ़ी भी सो गई, सो के उठे। अब शाम का टाइम है, सोच रहे क्या करें, भूख भी लग रही है, देखते हैं बनाते हैं कुछ। हाय गाइस, देखो आज किचन में कुछ बन रहा है, लेकिन आज रोल रिवर्सल हो गया है। आज किचन में काम कर रहे हैं मिस्टर शर्मा। क्या बना रहे हो? पकौड़े। देखो शाम का टाइम हो, और ये जो क्रेविंग होती है ना 5 से 6 बजे वाली, मेरा मन कर रहा था समोसे खाने का, तो मैंने कहा छोड़ो यार, बाहर पता नहीं वो कैसा तेल यूज करते हैं, मुझे हमेशा ना एसिडिटी हो जाती है, तो सोचा कि घर में कुछ बनाया जाए। तो मैं बना रहा हूँ बढ़िया आलू के पकौड़े, अदरक वाली चाय। देखो चाय का पानी रखा हुआ, चाय अदरक भी बढ़ रही है, और ये पकौड़े डबल फ्राई होंगे, सिंगल फ्राई में निकाल रहा हूँ अभी। तुमने प्याज नहीं डाला इसमें? मैं प्याज नहीं खाऊंगा, प्याज वाले मेरे को पसंद नहीं, और मुझे मजा नहीं आता प्याज वाले में। आलू वाले बढ़िया है, ये खाओ। लोग सब्जी तरकारी में पकौड़े खाते हैं प्याज वाले, हमारे घर में सब्जी तरकारी में डलते हैं आलू, प्याज छोड़ दो, लहसुन छोड़ दो, उल्टा काम। ये बहुत आसान है बोलना, देखो पत्नी सेवा करी जा रही है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद ही बातें सुनाई जा रही है। अच्छा लगता है ना कभी कभार ऐसा टॉन्ट करना, कभी कभार। श्रीमती जी थोड़ा दूध देंगी मेरे को, ताकि मैं चाय में दूध डाल सकूं? जी बड़ी कृपा होगी आपकी। जी चलो मैं जरा दूध का पतीला निकाल लेती हूँ। देखो मेरे पकोड़े रेडी हो गए, और मैं दिखाता हूँ आपको पकोड़े कितने बढ़िया बने हैं। मेरी मेहनत है, ये औरत ये खड़ी है ना, ये औरत मेरे घर में, ये सिर्फ मेरे पे लाने देती है, ये हिंदा दिखाती है मेरे को। मैंने बनाया एक नंबर बढ़िया पकोड़े, देखो उसकी पकोड़े की फोटो। ये मेरे पकोड़े बढ़िया आलू वाले, और ये देखो चाट मसाला, ओ हो, और ये है मेरी अदरक इलायची वाली बढ़िया सी चाय। तो पकौड़े करते हैं एंजॉय, आप भी बनाओ, आप भी खाओ। मुझे थोड़ा बताओ कि आप लोग इवनिंग स्नैक्स में क्या खाते हो? मुझे तो पकौड़े समोसे गोल गप्पे बड़े पसंद है, बहुत दिन हो गए खाए हुए, आज खा जाओ रात को जाके। उस औरत को खिचड़ी पसंद है, पता नहीं कैसे। खिचड़ी खाने वाले प्लीज़ एक बार लिख देना कि उनको खिचड़ी पसंद है शाम के समय खाने के लिए। मैं पकौड़े खाता हूँ, वरना मेरा मुँह का स्वाद ही खराब हो जाएगा खिचड़ी के नाम से। हमारे घर में तुलसा जी थी, बिल्कुल सूख गई थी, तो आज तुलसा जी लगवा रहे हैं वापस, और गुड़हल का पौधा लिया एक, वो लगवाएंगे तो दिखाते हैं आपको। तो ये हमने लिया गुलाब का पौधा, एलोवेरा का पौधा, देखो कैसे खराब हो रहा, तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख गया था। वैसे भी नेगेटिविटी लगती है, मतलब अगर घर में तुलसा जी सूख जाए ना, तो यू फील वेरी नेगेटिव कि यार क्यों सूख गई, मन में अलग अलग विचार आते हैं। तो फाइनली आज ये काम करवा ही दिया।
ये मेरा पेड़ था बेलपत्र का, ये देखिए बिल्कुल सूख गया। एलोवेरा का पेड़ ठीक से लगवाया हमने पौधा, बहुत डिप्रेसिंग सा इशू था मेरे लिए। मेरा बेलपत्र का पेड़ था वो बिल्कुल सूख गया इतनी ठंड की वजह से। तो ये मैंने सारे गमलों में खाद डलवा दी और नए पौधे लग गए, और ये जो पेड़ लगे हुए थे ये नया लगवाया है, इनमें कलियाँ आनी शुरू हो गई क्योंकि गर्मियों के पेड़ हैं, तो अब इनमें कलियाँ आएंगी और फूल खिलेंगे। या पीढ़ी पीढ़ी हैप्पी कि धूप कितनी तेज़ हो गई अभी से, अभी फेब्रुअरी ख़त्म भी नहीं हुआ तो भी धूप की हालत है। तो पेड़ों का काम हो गया, खाद डल गई, दवाई डल गई, पेड़ सज गए, हम खाते अंगूर, पीढ़ी आपको दिखाई दिए। मिलते हैं नए व्लॉग में, तक के लिए बाय बाय।